हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। डेप्रिसिएशन के चैप्टर से है ये क्वेश्चन। कल आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताया था, उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बाकी क्वेश्चन करने में थोड़ी ईजी रहे, ज़्यादा डिफिकल्टी फेस आपको ना हो। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा बेटा। इसमें जैसे आपको दिया गया, 1 अप्रैल 2012 अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख, 2 लाख में उन्होंने मशीनरी को परचेज किया है। कहता हूँ 1 अक्टूबर 2012 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख वाज परचेज, एक और मशीनरी आपने परचेज की है ₹1 लाख की। कहता हूँ 1 अक्टूबर 2013 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 जो 2012 में परचेज आपने की थी, हैविंग बिकम ऑब्सोल्यूट और वाज सोल्ड फॉर ₹90,000, उसको आपने सोल्ड कर दिया ₹90,000 में। कहते हैं 1 अक्टूबर 2014 अ न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹2,50,000, आपने 1 अक्टूबर 2014 को न्यू मशीन परचेज की है और उसका प्राइस है आपका ₹2,50,000। कहते हैं व्हाइल द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012 वाज सोल्ड फॉर ₹84,000 ऑन द सेम डे। कहते हैं द फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 10% जो प्रीमियम है आपने वो पे करना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, and it closes books of account on 31st March every year. तो इसमें आपको मशीनरी अकाउंट बोला गया for the period of 3 accounting years ending 31st March 2015. तो 3 साल का आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे मशीनरी अकाउंट है उसमें डेट आ जाएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इन्होंने परचेजिंग की हुई है, जो फर्स्ट लाइन में इन्होंने बोला था। तो इन्होंने मशीन को परचेज किया हुआ है 1 अप्रैल 2012 में और उसका प्राइस कितना है ₹2 लाख। तो यहां पर आपका 2012 आप लिखेंगे 1 अप्रैल, एंट्री यहां पर होगी आपकी 2, बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा आपका 2 लाख। ये काम आपने इसमें करना है। साथ में एक और एंट्री इन्होंने आगे अगली लाइन में बोला हुआ था, कहते हैं 1 अक्टूबर 2012, ठीक है, मतलब इसी में 1 अक्टूबर को एक और उन्होंने परचेज किया हुआ मशीनरी जिसकी प्राइस कितना है 1 लाख। तो यहां पर सेम 2, बैंक अकाउंट और ये आपका आ जाएगा 1 लाख। तो इसका तो आप टोटल कर दीजिए, टोटल बनेगा आपका 3 लाख, ठीक है जी। अब हम यहां पर आते हैं 2013 31st March, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं यहां पर दोनों मशीन्स को थोड़ा अलग अलग आपको शो कर रहा हूं। 2 लाख पे इन्होंने 10% बोला था, तो वहां तो सिंपल अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000। सेकेंड पार्ट में 1 लाख का 10,000 बनता है, लेकिन 6 मंथ्स का आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका बनेगा 5,000। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अक्टूबर में परचेज किया होगा। टोटल अमाउंट आपका बाहर आ जाएगा 25,000। अब सेम इसी डेट पर 31 मार्च में ही बाय बैलेंस कैरी डाउन आप करेंगे। फर्स्ट मशीन में 1,80,000, ठीक है, और सेकंड मशीन में आपका आ जाएगा 95,000। तो इस तरीके से आपने इसमें करना है, ठीक है। तो टोटल अगर आप करेंगे तो यहां पे आएगा 2,75,000 और इसको टोटल करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3। तो ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट ईयर। उसके बाद हम सेकेंड ईयर में आते हैं, तो 2013 फर्स्ट अप्रैल यहां पर सेम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली अमाउंट 1,80,000, सेकेंड अमाउंट 95,000, टोटल यहां पे आपका आ जाएगा 2,75,000। तो ये आपने इसमें वर्क जो है वो करना है। अब बात आती है कि इसने 2013 में एक और बात बोला था आपको क्वेश्चन में। इसने कहा था 1 अप्रैल 2013 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल, ये जो मशीन आपने परचेज किया था, कहते हैं हैविंग बिकम ऑब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड ऑफ फॉर ₹90,000, उसको आपने सोल्ड कितने में कर दिया, 90,000 में। तो बेटा यहां पर आपने सिंपल सा 2013 आप लिखेंगे और 1 अक्टूबर और यहां पर आपकी सेल की एंट्री होगी बाय
बैंक अकाउंट, और ये सोल्ड कितने में कर रहे हैं, 90,000 में। तो 90,000 का अमाउंट आपको यहां पर आ जाएगा। सेम इसी 1 अक्टूबर पे यहां पे आपका डेप्रिशिएशन भी चार्ज होगा, और ये डेप्रिशिएशन कितने मंथ्स का होगा, 6 मंथ्स का होगा। तो यहां पर जो डेप्रिशिएशन 6 मंथ्स का आपने निकालना है, ठीक है, वो इसी पे निकलेगा। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, याद रखिएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, 2 लाख का आपने 10% लेना है, ठीक है, वो बनेगा 20,000 जो यहाँ निकला था। आपको 6 मंथ्स का चाहिए, तो यहाँ पे 6 मंथ्स का कितना बन जाएगा, 10,000। तो अब देखिएगा आपकी जो वैल्यू है वो है 1,80,000 की। इस टाइम जो वैल्यू यहाँ पे बचा हुआ है 1,80,000, और यहाँ पर वैल्यू आपकी बनती है दोनों को मिलाकर, क्योंकि ये दोनों ही इसमें से लेस होंगे 1 लाख। तो ये जो बाकी अमाउंट अब आपका बचेगा 1 अक्टूबर पे, वो आपका ट्रांसफर किसमें हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो अमाउंट आपका 1 लाख बनता है, 80,000 यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसमें जो है काम करना है। अब जो अगली एंट्री आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, और तो कुछ नहीं, यहाँ क्वेश्चन में बोला नहीं है। 2014 में 31 मार्च, यहां पर अब आप एंट्री करेंगे डेप्रिशिएशन की, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। और ये हम डेप्रिशिएशन किसका ले रहे हैं, सेकंड वाली मशीन का। सेकंड पे 1 लाख पे ही 10%, 10,000 आपका ये अमाउंट यहां पर बन जाएगा। अब उसके बाद आपने यही इसी डेट पर आपने क्या करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आप करेंगे, और जो आपका अमाउंट है 30,000 वो इसमें से 95,000 में से लेस हो जाएगा, तो आपका बैलेंस बचेगा ये 85,000। तो ये टोटल आपका 2,75,000, और ये टोटल भी आपका 2,75,000। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा साल जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब मैं इसको नहीं रफ कर रहा हूं, इसको यहां से रफ कर देते, ठीक है, लास्ट ईयर पे हम चलते हैं। तो यहां पर लास्ट ईयर में आपने क्या करना है, इसको सेम ब्रॉट डाउन आप कर लेंगे उसी तरीके से, और ये आपका 2014 आ जाएगा यहाँ पे, 2014 फर्स्ट अप्रैल यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रॉट डाउन में कितना अमाउंट आएगा आपका, 85,000, ठीक है जी। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसी क्वेश्चन में दोबारा से अगर आपको रीड करता हूँ, कहता हूँ 1 अक्टूबर 2014 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹2,50,000। तो यहाँ पर आप एक एंट्री फिर से कर लीजिए, 1 अक्टूबर एक और मशीन परचेज की है, तो टू बैंक अकाउंट 2,50,000, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम कर रहे हैं। उसके बाद कहता है व्हाइल द मशीन बी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012, दिस वन वाज सोल्ड फॉर ₹84,000 ऑन सेम डेट। तो 2014 फर्स्ट अक्टूबर बाय बैंक हमने मशीनरी को सेल कर दिया है, और ये आपकी सेल हुई है 84,000 में, ये अमाउंट दिया हुआ है सेल का, ठीक है। अब इसी पे आपने डेप्रिशिएशन भी लगाना है, तो डेप्रिशिएशन सेम 6 मंथ्स का ही आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से 5,000, 84,589 बनता है। यहाँ पे आपकी वैल्यू है 85,000, तो आप इसको इस साइड यहाँ पर शो करेंगे, 1 अक्टूबर में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट आ जाएगा आपका 4,000, ठीक है। तो आपने ये इसमें काम करना है, और ये वैल्यूज आ गई आपकी। उसके अलावा कुछ और इसने यहाँ पे आपको बोला नहीं है, आपका डेप्रिशिएशन लग गया है। अब आपने सिंपल 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन इस पे कैलकुलेट करना है, तो 2015 31 मार्च बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, तो 2,50,000 का 10% आप निकालते हैं तो 25,000 बनता है, और 25,000 का अगर हाफ करते हैं क्योंकि 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो वो बनता है आपका 12,500, ठीक है जी। सेम 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, आप इसमें से लेस करेंगे वैल्यू, तो आपकी वैल्यू यहां बचेगी 2,37,500। तो ये आपने बेटा इसमें काम जो है वो करना है। अब इसका सिंपल टोटल आप करते हैं तो ये बनता है 3,39,000, और सेम 3,39,000। तो ये आपको क्वेश्चन है इसमें डेप्रिशिएशन में। तो इसमें मैंने आपको इन ब्रीफ बता दिया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे वर्क करता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। तो इसको प्लीज अच्छे से सोचिए समझिएगा,
और देख के करिएगा भी, ठीक है? इसको सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिएगा भी जरूर। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, थैंक यू।